हेलो स्टूडेंट, स्वागत 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 है आप सभी का सीएलसी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा हम ऑलरेडी पहले 3 वीडियो लेक्चर आपको दे चुके हैं, आज 4th की बात है। टॉपिक लिखा हुआ है हाइड्रोकार्बन, एल्केन और एल्कीन। बेसिकली इनकी रिएक्शन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस की हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। आप सभी को पता है माई सेल पारसी देहीवाल और मेरे साथ है नदीम सर। तो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। पीछे के 3 वीडियोस को आपने देखा होगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट करके हमें बताएं आपको कैसा लगा है। कोई नेगेटिव फीडबैक हो तो नेगेटिव दें, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। जी सर, देखो इसमें बीच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम फॉर द गिवन चेन प्रोपेगेशन स्टेप। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम पूछा है और चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जैसा हमें पता है फ्री रेडिकल रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन और टर्मिनेशन। तो जो दिया है ये चेन प्रोपोगेशन स्टेप है। यहां से कार्बन हाइड्रोजन का ये बॉन्ड टूटा है, फ्री रेडिकल होमोलाइटिक क्लीवेज हुआ है, HF बॉन्ड बना है। तो यहां देखो बॉन्ड एनर्जी दी है 435, ठीक है, और यहां बॉन्ड एनर्जी है 569। ओके, तो डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच भी दे रखा है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। डेल्टा एच क्या है हमारा? नेगेटिव। इसका मतलब रिएक्शन कैसा हो गया? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का आपको ग्राफ पता है कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी होती है एक्सोथर्मिक के लिए वो लेस देन होती है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ऐसा कहां पे है? ऐसा देखो थर्ड में है और फोर्थ में, तो सेकंड और फर्स्ट की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। अब इसके बाद आप जाते मतलब रिएक्शन नजर आ रही है, रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक तो ये दोनों ग्राफ तो एंडोथर्मिक के हैं, एंडोथर्मिक। तो थर्ड और फोर्थ में से कोई एक ऑप्शन होगा। अब थर्ड फोर्थ में देख, आप जानते हो डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है जैसे कोई ग्राफ ऐसे मालूम है, तो डेल्टा एच इसको बोलते हैं यहां से यहां तक डेल्टा एनर्जी डिफरेंस बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, उसको हम डेल्टा एच बोलते हैं। ई ऑफ रिएक्टेंट माइनस ई ऑफ जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है? डेल्टा एच। अब यहाँ तो कुछ गड़बड़, ये ट्रांजिशन स्टेट तक पहुंच गया है। तो इसमें देखो सही दिया हुआ है कि जो डेल्टा एच है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस, ये वाला आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो थर्ड इज करेक्ट आंसर। सिंपल सा है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, तो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपको आने भी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। नेक्स्ट रिएक्शन देखें हम। ये लो, चूज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक सिंपल सा क्वेश्चन है यहां पे, ये जो दिया हुआ है ना, ये एक फेमस रिएजेंट है MCPBA, मेटा क्लोरोपर बेंजोइक एसिड, और ये इपोक्साइड फॉर्मेशन करता है। मतलब मैं ये बता दूं कि डबल बॉन्ड आपके पास है, उसकी रिएक्शन आप MCPBA से कराओ, पर बेंजोइक एसिड या पर एसिड। पर एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COH, या फिर आप इसकी रिएक्शन H2O2OH- से करवाओ, या फिर आप इसकी रिएक्शन ड्राई Ag2O से करवाओ। ये तीनों ही रिएजेंट डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन का इंसर्शन करेंगे और इपोक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे, तो इन तीनों ही में इपोक्साइड फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहां भी फर्स्ट रिएजेंट पहले क्या बना देगा? इपोक्साइड बना देगा। तो पहले आंसर ये वाला आ जाएगा CH3O और O। अब आपको ये देखो कि यहां से आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो विद स्टीरियो दिए हुए हैं, तो मुझे यहां स्टीरियो दिखानी पड़ेगी क्योंकि यहां पे दो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि या तो ये बन जाए, ये दोनों CH3 अबाउ द प्लेन हो और आपकी रिंग बिलो द प्लेन हो, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये दोनों CH3 बिलो द प्लेन हो और आपकी रिंग जो है वो अबाउ द प्लेन हो। तो किसी एक को लेके कर लेते हैं, आंसर सेम ही आएगा। और डायरेक्ट अगर बोलो तो इपोक्साइड रिंग का यदि आपने हाइड्रोलाइसिस किया है तो एंटी में दो OH रहेंगे, और ऑप्शन से हम ट्रिक करते हैं। अब क्या करता है, H प्लस पहले अटैक करता है, एसिड बेस रिएक्शन होती है, H प्लस यहां जाता है और H प्लस रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है सबसे पहले ये वाला बन जाता है। आप इसको देखना, चेक करना, ये OH पॉजिटिव। अब H2 अटैक करेगा, तो H2O के लोन पेयर अटैक करेंगे, अटैक उस साइड से होगा
रिंग के अपोजिट साइड से। अगर रिंग बिलो द प्लेन है तो H2O का OH आएगा अबाउ द प्लेन। सही बात। यदि रिंग अबाउ द प्लेन है तो H2O का OH आएगा बिलो द प्लेन। ये मैं डायरेक्ट यहां से स्टेप एक स्टेप उड़ा देता हूं, डायरेक्ट OH माइनस का अटैक कर देता हूं, क्योंकि बाद में H+ बार होना है। एक्चुअली में H2O अटैक करता है, बट मैं डायरेक्ट स्टेप से बता देता हूं, OH माइनस को अटैक करवा देता हूं। आपकी रिंग कहां है? बिलो द प्लेन, तो OH माइनस आएगा अबाउ द प्लेन। सीधा सा कंसेप्ट समझ ले इसको और डायरेक्ट भी बता दूंगा। अबाउ द प्लेन है, जब ये अबाउ द प्लेन है तो जो CH3 अबाउ द प्लेन है वो कहां चला जाएगा? बिलो द प्लेन चला जाएगा। तो यहां पे पहले ये बनने वाला है, CH3 चला गया बिलो द प्लेन, OH आप लेके आए अबाउ द प्लेन, और इधर आपके पास ये CH3 एग्जिट रह गया, OH उसी पे लगा हुआ रह गया, तो दोनों OH कहां आ गए? एनटी पे आ गए। ठीक है, ऐसा ऑप्शन देखो, दोनों OH एनटी पे कहां है? OH OH एनटी पे, इस पे है, इस पे दोनों OH सेम साइड है, इस पे OH है ही नहीं, यहां भी OH है ही नहीं, तो आंसर जो जाएगा दोनों OH एनटी पे है। सिंपल सा कांसेप्ट। और फिर बोलता हूं, इपॉक्साइड रिंग का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हमेशा एनटी पे दो OH रहेंगे। कांसेप्ट बता दिया कैसे जाएंगे। अगर यहां पे एक तरफ बल्की ग्रुप और एक तरफ स्मॉलर ग्रुप होता तो OH माइनस अटैक करता स्मॉलर ग्रुप की साइड से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन? DCl जस्ट लाइक HCl, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सर क्या रिएक्शन वाया कार्बोकेटाइन होती है? कार्बोकेटाइन होती है, क्योंकि पहले अटैक किसका होगा? H+ का, इलेक्ट्रोफाइल का। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घुमाऊं, इधर से इधर क्यों घुमाया? क्योंकि यहां पॉजिटिव चार्ज इस CH3 के प्लस आई और प्लस एच से क्या होगा? स्टेबल होगा, उधर से उधर नहीं रोटेशन होगा। तो रोटेशन का ध्यान रखें, हमेशा पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में लेके जाने हैं कि पीछे जो कार्बोकेटाइन बच रहा है वो स्टेबल होना चाहिए। अगर इसमें दो पॉसिबिलिटी है, आप ये समझ सकते हो कि अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता हूं तो पॉजिटिव यहां आता है, और अगर मैं इसको ऐसे लेके जाता हूं तो पॉजिटिव यहां आता है। तो डेफिनेटली ये कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और होपफुली सभी बच्चों को कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखना आती होगी। तो यहां से जाएगा, तो यहां D+ और Cl- ये D+ क्या कर जाएगा? अटैक कर जाएगा, और यहां ये, यहां D आ गया, और ये CH3 और ये पॉजिटिव। अब जो Cl- आएगा वो अटैक करेगा, तो Cl- इस पे अबाउ द प्लेन भी आ सकता है, बिलो द प्लेन भी आ सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटी है यहां पे, डी के साथ सीएल ऊपर और CH3 एक ये पॉसिबिलिटी आ सकती है, दूसरी ये डी सीएल नीचे की तरफ और CH3 ऊपर की तरफ, दोनों साइड से अटैक। क्यों? क्योंकि ये प्लेनर हो चुका है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो Cl- अबाउ द प्लेन, बिलो द प्लेन दोनों साइड से आ सकता है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि ऐसा ऑप्शन हमारे पास कहां पे है। तो पहली बात तो डी और डी जुड़ेगा इस पे, तो या तो डी इस पे आया नहीं है, इस पे भी नहीं आया, तो ऑप्शन अपने पास एक दिया हुआ है सेकंड, ऐसा ऑप्शन ही अपने पास एक है, तो आंसर जाएगा सेकंड। सिंपल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, पहले इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, फिर कार्बोकेटाइन। यदि यदि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाना मत भूलना, वरना एग्जामिनर मार्क्स देना भूल जाएगा। नेक्स्ट, जी सर, इसमें आप देखोगे द मेजर प्रोडक्ट रिएक्शन Br2 वाटर, ब्रोमीन वाटर आ गया यहाँ पे। तो आप जानते हो कि यहाँ पे पहले साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनेगा, साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन इंटरमीडिएट बनेगा। तो जैसे यहाँ पे OH है, Br ये हो गया, तो इसमें पहले क्या बन जाता है? साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन Br+, ये हमारा इंटरमीडिएट बन गया। अब हमारे पास देखो ये रिंग यहाँ से खुलेगी सर, और हमारे पास अटैक करने के लिए Br नेगेटिव भी है, और Br नेगेटिव भी है, OH भी, और H2O का OH माइनस भी है, H2O कह लो सीधे, H2O। अब हमें ये देखना है कि बेटर कौन सा होगा, मुख्य महाशय पूछा हुआ है। हाँ, तो आप देखो कि ये अटैक करेगा बाहर से आएगा, बाहर से आएगा, ये भी बाहर से आएगा, जबकि ये कहां से आ जाएगा? अंदर अंदर ही ऐसी बात है। ये साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन बनने के बाद आपके पास दो सेंटर है कि इधर से रिंग ओपनिंग करो या इधर से रिंग ओपनिंग करो। रिंग ओपनिंग उस वे से करनी है जिधर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा हो। तो देखो, अगर ये बॉन्ड टूटता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां आता है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, और इधर 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है। तो अटैकिंग साइड तो डेफिनेटली ये वाली होगी, अटैक तो इस पे होना है। अब
इस पे रिंग ओपनिंग करने के लिए तैयार कौन कौन है? BR2 का BR माइनस कहे मैं अटैक करूं, ये OH के लोन पर कहे मैं अटैक करूं, H2O कहे मैं अटैक करूं, तो H2O और BR माइनस तो है बाहर और ये OH के लोन पर है इसके साथ ही, तो हमेशा इंट्रामोलिकुलर अंदर से अटैक होगा उसको बोलूंगा इंट्रामोलिकुलर, बाहर से होगा इंट्रामोलिकुलर, जनरली इंट्रामोलिकुलर प्रीफर्ड होती है, इसलिए यही अटैक कर जाएगा। और ये जब अटैक करेगा घूम के, क्योंकि हमें पूछा है मेजर प्रोडक्ट, ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, बनेंगे बट वो माइनर बनेंगे, मेजर इधर से अटैक हो जाएगा, तो ये रिंग ओपनिंग हो जाएगी, तो इधर तो आपके पास ये CH2Br आ गया, ठीक है, इधर से आपको देखो इस कार्बन पे अटैक हुआ है, तो 1 1 2 3 4 5 फाइव में ऑक्सीजन आ जाएगा, 1 2 3 4 और ये 5 O और ये H और ये अटैक और ये पॉजिटिव, H वहां से हट जाएगा, अब H प्लस यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना है वो ये वाला बना है बेटा CH2Br। अब ये काइरल सेंटर है और यहां पे H है, तो यहां पे ये अबाउ द प्लेन बिलो द प्लेन, इसकी दो मिरर इमेज बनेगी, पेयर ऑफ एनेंसोमर बनेगा, तो पेयर ऑफ एनेंसोमर देखो यहां CH2Br अबाउ द प्लेन है, यहां CH2Br बिलो द प्लेन है, तो दोनों आंसर आएंगे 5 और दोनों इक्वल अमाउंट में 50-50% कार्बोकेटाइन के थ्रू रिएक्शन हुई है साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन के थ्रू, तो यहां पे 5 और 4 देख लेते हैं, 5 और 4 का थर्ड, ध्यान रखना नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बोलते हैं इसको, ऐसे कार्बोकेटाइन के दौरान रीअरेंजमेंट नहीं होता है, ओके ठीक है, नेक्स्ट सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन, यहां पे देखो इस एल्कीन का कॉन्फ़िगरेशन है HH अपोजिट साइड है, मतलब ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में है, या मैं ई बोल दूं या फिर मैं बोल दूं ट्रांस। अब बोल रहा है कि हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ H2, दिस कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ पॉइजनस पैलेडियम कैटलाइज्ड, मतलब पीडी BaSO4H2, इसको एक फेमस नाम से जाना जाता है लिंडलार कैटलिस्ट, इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और ये जब एडिशन करता है H2 का तो सिस बनती है या ट्रांस बनती है, तो इससे सिस बनती है, सिन एडिशन होता है, मतलब दोनों H सेम साइड जुड़ते हैं, सिन एडिशन होगा, तो ये PDBSO4 लिंडलार कैटलिस्ट सिन एडिशन ओप H2, BaSO4 इसमें पॉइजनस कैटलिस्ट है जो एल्कीन को एल्केन में रिडक्शन होने से रोक देता है, क्योंकि ये क्या होता है पॉइजन होता है ना, तो ये जो इसकी एक्टिव साइट होती है कैटलिस्ट की, उसकी एक्टिव साइट को, ज्यादातर एक्टिव साइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है या होल्ड कर लेता है, ब्लॉक कर देता है, इससे क्या होता है कि इसकी जो कैटलिटिक एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, अगर ये ना डाले तो एल्काइन को ये एल्कीन और एल्कीन से किसमें बदल देगा, एल्केन में ले जाएगा, लेकिन हमें चाहिए कि एल्काइन को एल्कीन तक ही रोकना है, तो उससे इसकी एक्टिव साइट को क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक, उसके लिए हमने क्या डाल रखा है, पॉइजन, अगर BSO4 नहीं डालूं PDH2 डालूं तो एल्केन तक चला जाएगा, ठीक है, तो यहां इसका रिडक्शन होगा, H2 का एडिशन होगा, तो सिन एडिशन मैंने बोला है, तो देखो क्या बना CH3 और ये H, और इधर तो आपके पास ये जो कॉन्फिगरेशन है वो कौन सा है, ट्रांस, ये लो ट्रांस, और इधर मैंने बोला हूं H2 का एडिशन हुआ सिस, तो इधर जो कॉन्फिगरेशन आने वाला है वो आने वाला है सिस, या फिर ऐसे दिखा दो, CH3 और ये H, इधर मैंने दिखाया ट्रांस और इधर दिखाया मैंने ये सिस, हाँ ठीक है, वो सिस क्योंकि H का एडिशन सेम साइड है और इसमें H दोनों क्या है, अपोजिट साइड है। अब ये सेंटर स्यूडो स्टीरियो सेंटर बन गया, जैसा हम बात कर रहे थे कहां पे, आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में हमने बात की थी, तो इसके दो कॉन्फिगरेशन हो गए, एक बार R और एक बार S, प्रायोरिटी ऑर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं, एक नंबर कार्बन, कार्बन जेड को प्रायोरिटी देते हैं E पे, एक नंबर इसको मिलेगा, दो नंबर इसको मिलेगा, तीन नंबर इसको, चार नंबर इसको, ये प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर दिया हमने, अगर सेम कंपाउंड है तो जेड को प्रायोरिटी देते हैं किस पे, ई पे, और आर को प्रायोरिटी देते हैं किस पे, एस पे,
तो जो कंपाउंड बनेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, तो ऑप्टिकली एक्टिव प्लेन तो लगेगी नहीं क्योंकि दोनों पार्ट बराबर नहीं है, तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वही HBr का एडिशन करवाना है, तो सेम देखो सीक्वेंस, पहले ये यहां से यहां अटैक किया तो H+ आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, ये ध्यान रखना 1-2 पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, तो यहां से ये 1 और ये 2, ये दो नंबर पोजीशन पे आपके पास आ गया। तो H+ अटैक करने के बाद कार्बोकेटायन यहां जनरेट हो जाएगा क्योंकि इसी वे में घुमाना है, स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ये घूमेगा, तो यहां से यहां मैंने क्या करवाया है, रिंग एक्सपेंशन, ये रिंग एक्सपेंशन मैंने करवाया है। और जब मैंने रिंग एक्सपेंशन करवाया तो मैं बोल रहा हूं कैसे करवाना, आपको जिधर पॉजिटिव लगा उधर पॉजिटिव लगाएं और दूसरी साइड नेगेटिव लगाएं, इस बोन को आपने ब्रेक किया तो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच बोन बन जाएगा, पॉजिटिव यहां रह जाएगा, तो उसके बाद ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब इस रिंग का एक्सपेंशन हो जाएगा, ठीक है, फिर वापस से हमने क्या करवाया, रिंग एक्सपेंशन, और जब वापस से रिंग एक्सपेंशन करवाया तो वापस से ये पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये दोनों ही 5 मेंबर रिंग हो जाएगी। इसको मैंने थोड़ी सी इसकी सही शक्ल बना के लिख दिया है, ये वाला यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे Br आ गया और ये बन गया, तो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा सेकंड। मतलब बेसिकली खेल केवल किसका है, आप रिंग को प्रॉपर एक्सप्लेन करवा सकते हो या नहीं करवा सकते, वो चीज हमने करवाई, ठीक है। नेक्स्ट सिंपल सा क्वेश्चन है, वापस से HBr और 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है, देखो OCH3 का क्या लगता है, प्लस R लगता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां और ये यहां से यहां, इतना पार्ट ही डीलोकलाइज हो पाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके आगे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, तो H+ यहां जाएगा, तो H+ यहां जाएगा, तो CH3O और ये CH सिंगल बॉन्ड C और ये H डबल बॉन्ड CH2 और ये पॉजिटिव हाईली स्टेबल कार्बोकेटायन आपके पास बना है क्योंकि ये बैक बॉन्डिंग से क्या है, स्टेबलाइज हो रहा है, उसके बाद इस पे कौन अटैक कर जाएगा, Br- अटैक कर जाएगा। अब ये अगर दो बार देता तो पहले हो जाता, फिर उसके बाद इस डबल बॉन्ड पे और हो जाता, बट हमें 1 इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो HBr के साथ, ऐसा ऑप्शन अगर हम चेक करने जाएंगे फर्स्ट तो ऐसा ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा, तो फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ये एक हमने पैराग्राफ आपको दिया है, पैराग्राफ को ढंग से रीड करें, ये पैराग्राफ बेस्ड है ऑन द फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन पे, और इस पैराग्राफ से इस रिएक्शन से रिगार्डिंग सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। पहले जो पैराग्राफ में बोला है, आपको एक कंपाउंड दिया है, हैलोजन से लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवानी है, तो यहाँ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, FRS रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, आपको हाइड्रोजन दिया है, क्या होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, RH ये sp3 कार्बन पे जब हैलोजन की रिएक्शन लाइट से करवाते हैं तो फ्री रेडिकल के द्वारा हैलोजन यहां जुड़ जाएगा, तो पहली कंडीशन है sp3 के थ्रू रिएक्शन होती है, sp3 कार्बन पे रिएक्शन होती है, यहां हाइड्रोजन इंडिकेट किए हैं आपको p q r s w, तो r पे तो रिएक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों, क्योंकि वो sp2 से बॉन्डेड है। पहला क्वेश्चन क्या गया है, Which of the above hydrogen can be abstracted easily by halogen in presence of sunlight? तो वहां सबसे जल्दी हाइड्रोजन निकलेगा जहां आपने कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड फ्री रेडिकल जनरेट किया, होमोलाइटिक क्लीवेज किया, ये रेडिकल मस्ट बी स्टेबल। तो देखो आप यहां पे, यहां अगर करूंगा तो इस रेडिकल पे, इस रेडिकल के पास तीन तो अल्फा हाइड्रोजन आ जाएंगे और ये रेजोनेंस के द्वारा भी क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो मतलब सबसे जल्दी रिएक्ट करने की कैपेसिटी इस हाइड्रोजन की है, यहां से H रेडिकल सबसे यहां से भी वही, हाँ यहां से भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है, क्योंकि यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है और यहां 3 अल्फा हाइड्रोजन है, रेजोनेंस यहां भी हो रहा है, तो पी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो गई, एस की हो गई, उसके बाद पी क्यू की हो गई और उसके बाद P की हो जाएगी, इसकी P की हो जाएगी और उसके बाद W की हो जाएगी, क्योंकि P पे बनाओगे तो दो अल्फा हाइड्रोजन मिलेंगे, W पे केवल एक अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, उसके बाद P की और उसके बाद W की, ये ऑर्डर आने वाला है। तो विच ऑफ द अबव हाइड्रोजन कैन बी एब्स्ट्रैक्टेड इजीली बाय हैलोजन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो सबसे इजीली होगी वो कौन सी होगी, S, तो आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट, इसी पैराग्राफ के बेस्ड पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द अबव रिएक्शन How many monobrominated product are possible, including stereo? ये बहुत शानदार क्वेश्चन बनता है, स्टीरियो के इंक्लूडिंग, तो अब जहां जहां पॉसिबल है वहां वहां लगाओ, देखो पहला क्या बनेगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, और उसके बाद ये रिंग हो गई, उसके बाद ये सी
H2 और ये CH2Br, कोई काइरल सेंटर नहीं बना है तो एक ही प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर Q पे लगाऊं तो Q पे लगाऊंगा तो ये CH3, ये CH3, CH और ये रिंग और ये CH और ये Br और CH3, या काइरल सेंटर जनरेट हो गया। तो जो फ्री रेडिकल बना वो sp2 ट्राइगोनल प्लेन था, तो Br रेडिकल अबाउट द प्लेन, बिलो द प्लेन, दोनों तरफ से आ सकता है। तो इसके दो पॉसिबिलिटी है, एक बार R और एक बार S, तो यहां से दो प्रोडक्ट बन गए। उसके बाद R पे जाएगा नहीं, S पे बात करूं तो CH3CH3 और यहां पे ये Br और ये रिंग और ये CH2CH3, यहां काइरल सेंटर जनरेट नहीं हुआ तो केवल ओनली वन बनेगा। उसके बाद W पे जाऊं, W पे ये CH3 ये CH3 सेम साइड है तो यही बना देते हैं, ये बना देते हैं CH2Br, यहां आ जाएगा। बट यहां बनते ही ये क्या बन जाएगा, काइरल सेंटर। तो इस कंडीशन में भी इसके कितने बन जाएंगे, दो R और S, तो दो यहां से बने, एक यहां से बना, 3, 2, 5 और 1, 6 इज, अच्छा ठीक है, 6 इज करेक्ट आंसर, 6 इज करेक्ट। नेक्स्ट इसी पे है, Which of these H atom can be substituted to get an optically active halide? तो optically active जहाँ chiral center generate हुआ है, वहाँ optically activity आ सकती है। तो एक तो यहाँ पे chiral center generate हुआ, जैसे अभी पीछे किसने बताया, एक यहाँ पे हुआ, तो Q और W पे optically active आ रहा है, तो ये रहा fourth, इसका correct answer। Next, ये वापस paragraph, यही electrophilic addition reaction के best पे। मीनिंग यही है कि आप कंसेप्ट अच्छे वैसे समझें कि मार्कोनिकोप्स रूल क्या बोलता है। यदि नेगेटिव पार्ट या Br माइनस या न्यूक्लियोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे गया है जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, तो वो मार्कोनिकोप रूल को फॉलो कर रहा है। अनसिमेट्रिकल एल्किन। तो देखो इधर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स मार्कोनिकोप एडिशन। तो मार्कोनिकोप एडिशन का मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, वो होगा जहां स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो इसमें कार्बोकेटाइन बनता है ये वाला पॉजिटिव, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा ये वाला, और ये वाला कार्बोकेटाइन रेजोनेंस से क्या है, स्टेबलाइज है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। यहां पे भी स्टेबल बनेगा बट उसके कंपोजिशन में लेस स्टेबल हो गया, यहां भी स्टेबल बनेगा बट उसके कंपोजिशन में लेस स्टेबल हो गया, मोस्ट स्टेबल बन रहा है सेकंड में, इसलिए मोस्ट रिएक्टिव कौन होगा, सेकंड होगा। नेक्स्ट ये एनर्जी डायग्राम है, व्हाट इज द एनर्जी प्रोफाइल फॉर द गिवन रिएक्शन। इस रिएक्शन में देखो, तो देखो हमेशा जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको एनर्जी डायग्राम देखना है तो ट्रांजिशन स्टेट कितनी होती है, पहले तो ये देखो, ट्रांजिशन स्टेट इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमीडिएट प्लस वन। तो इस रिएक्शन में देखो एक इंटरमीडिएट कहां बना, ये वाला, ठीक है, तो ओनली एक ही इंटरमीडिएट बना है, इसका मतलब ट्रांजिशन स्टेट क्या बनने वाली है, दो बनने वाली है। तो इसमें दो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें भी दो ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें तीन है, तो ये तो नहीं पॉसिबल है, इसमें दो है, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, हर एक ट्रांजिशन स्टेट पहले वाली ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो सेकंड ट्रांजिशन स्टेट बनती है वो हमेशा स्टेबल होती है। तो हमेशा एनर्जी डायग्राम जो है ना, वो फर्स्ट ऊपर जाएगा तो सेकंड नीचे जाएगा, फिर ऐसे चलेगा, ऐसे हर एक ट्रांजिशन स्टेट पहले वाली ट्रांजिशन स्टेट से स्टेबल होगी, हर एक इंटरमीडिएट पहले वाले इंटरमीडिएट से क्या होगा, स्टेबल होगा, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें पहले कम है उसके बाद ज्यादा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, इसमें पहले ज्यादा फिर कम है ये सही है, इसमें पहले ज्यादा फिर पहले कम फिर ज्यादा है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर जाएगा हो जाएगा थर्ड। तो रूल सिंपल सा, पहले ट्रांजिशन स्टेट देखें, ये ऊपर की तरफ जो गई है वो ट्रांजिशन स्टेट है, उसके बाद मैंने ये बोला है कि हर एक ट्रांजिशन स्टेट पहले वाली ट्रांजिशन स्टेट से क्या होगी, स्टेबल होगी हर एक इंटरमीडिएट। तो ये टीएस फर्स्ट है, ये टीएस सेकंड है और ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, और ये ए से और ये बी जो स्टेप है ये आरडीएस है। और एक चीज और इसमें कह सकते हैं कि जैसे ये एक्सोथर्मिक डायग्राम बनाया गया है ये वाला करेक्ट आंसर का, तो देखो ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पाई बॉन्ड आपने ब्रेक किया है और सिग्मा बॉन्ड क्या है बनाया है, तो कमजोर बॉन्ड तोड़कर क्या बनाया है, मजबूत बॉन्ड, तो रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है, ऐसे भी कह सकते। नेक्स्ट फिर बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। तो देखो यहां से यहां गया तो यहां पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, तो इसमें तो हुआ है शिफ्ट, इसमें बात करें यहां से यहां गया है
पॉजिटिव आया, यहाँ से 1-2 मिथाइल शिफ्ट होगा, 1-2 मिथाइल शिफ्ट, तो इसमें भी रिएजमेंट होगा। इसके बाद इस पे बात करते हैं, ये यहां से आ गया है पॉजिटिव यहां, तो यहां भी 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा, क्योंकि उसके बाद बेंजाइलिक कार्बोकेटायन रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसमें अगर मैं बात करूं तो ऑलरेडी ये यहां से यहां पॉजिटिव एरोमेटिक कंपाउंड ऑलरेडी रेजोनेंस से क्या है, स्टेबल है, तो इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा, विदाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी, तो आंसर जाएगा 4। नेक्स्ट येलो, ये बोल रहा है C5H12Cl2 इक्विवेलेंट, ये वापस से फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन और ये बना C5H11C। तो देखो इसके टोटल आइसोमर जो स्ट्रक्चर बनेंगे ना वो 8 बनेंगे, बट आपसे बोला है कि सोडियम एने इतर से, तो ये रिएक्शन कौन सी है, हूर्ज रिएक्शन, ओनली वन प्रोडक्ट, कि उससे रिएक्शन करवाते हो तो केवल वन प्रोडक्ट बनना चाहिए, विच आर करेक्ट, कौन सा इसमें सही है, केवल एक ही प्रोडक्ट बनना चाहिए, तो ओनली वन प्रोडक्ट कहां बनेगा, तो आपसे पूछा है कि ए बी, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, तो आप देखिए इधर बी सी, तो पहले ए इसको मानो, तो इससे बी बन गया, क्या केवल एक ही प्रोडक्ट बना है यहां पे, ओनली वन प्रोडक्ट बना, सही बात। अब अगर ये मानू ए, ये मानू, तो यहां भी हेलोजन जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, तो इससे तो प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं, चार बन रहे हैं, चार स्ट्रक्चरल प्रोडक्ट बन रहे, चार बन रहे हैं, तो चार चार जगह से ऊर्जा रिएक्शन हो सकती है। हमें बोला कि यहां ऐसा प्रोडक्ट जो एक ही प्रोडक्ट बनाए, एक ही प्रोडक्ट इस फॉर्मूले पे, तो इस पे एक ही बनेगा, बट ये C5H इस पे मैं क्या बना सकता हूं, अलग अलग स्ट्रक्चर बना सकता हूं, इसमें भी ये भी पॉसिबल नहीं है, सी, हाँ सी ये सही है, सी पॉसिबल है, सी यही बनेगा सी, तो आंसर जो आएगा मल्टीपल जो क्वेश्चन है फर्स्ट और थर्ड आएगा, कैसे नियोपेंटेन इसकी रिएक्शन कराई सीएल से, तो ये बन गया, क्योंकि चारों ये जो हाइड्रोजन है वो सभी क्या है, आइडेंटिकल है, तो ओनली वन टाइप प्रोडक्ट बनेगा, कहने का मतलब ये है इसकी करवाई मैंने एनए ईथर से, तो बन गया ये जो C5H12 का होता क्या है ना, C5H12 का आप जानते हो स्केलेटन जो होता है, एक तो नियोपेंटेन बनता है, एक जैसे यहां पे बना रखा है आइसोपेंटेन, एक होता है एनपेंटेन, भाई हमें ये देखना है, बट उसमें कंडीशन भाई ये तो ये भी हो सकता है, नियोपेंटेन भी हो सकता है, आइसो और ये भी हो सकता है, बट आगे क्वेश्चन को देखा जाए तो हमें एक ऐसा स्केलेटन लेना है जो एक ही प्रोडक्ट बना सके, तो जैसे इसमें चार जगह से जोड़ सकते हो तो चार तो कम से कम बनेगा, इसमें देखो यहां से यहां भी सीएल लगा सकते हो तो तीन जगह से बनेगा, नियोपेंटेन ही एक ऐसा है जहां एक ही जगह क्लोरीन लगाओगे तो सिंगल प्रोडक्ट आपको देगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा जा रहा है, नियो फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये ट्रिपल बॉन्ड है, यहां पे एल्काइन का हाइड्रोलाइसिस करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और एल्काइन के हाइड्रोलाइसिस से हाइड्रेशन, एल्काइन का एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करवाना है, हाइड्रेशन करता है ये भी एडिशन ऑफ H2O करता है, एडिशन ऑफ H2O, तो यहां H और OH का एडिशन होगा, ठीक है, यहां भी D2O D2O सपोर्ट दिया तो D और D2O का एडिशन होगा, मतलब D इसमें से D प्लस और OD माइनस का एडिशन होगा, यहां पे ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ये स्टीरियोकेमिकली स्टीरिक हिंड्रेंस से कंट्रोल होती है, और इसका एक कंसेप्ट है, इसका एक डायरेक्ट कंसेप्ट होता हूं, OH माइनस वहां जहां भीड़ कम, उस ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे वो जाएगा जहां पे भीड़ कम होगी, और यहां आपको स्टेबल कार्बोकेटाइन की तरफ जाएगा, ठीक है, तो तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन को हम मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, देखिए खाली पेज ले लेते हैं, ये आपको दिया हुआ है पी एच सी ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला क्या दिया, पहला आपको दिया है बी जो बनेगा, ए जो बनेगा वो दिया है D2O D2SO4 और HgSO4, तो स्टेबल कार्बोकेटायन इस साइड बनेगा, तो इधर जाएगा OD PHCOD डबल बॉन्ड CH और ये D इनोल फॉर्म है, तुरंत किस में जाएगी, टॉटोमराइज कीटो फॉर्म में चली जाएगी,
और ये बनेगा पी एच सी ओ सी एच, ये डी और ये डी, ये आएगा इसका आंसर। फिर आगे दिया है H2SO4 और वही HgSO4, तो इसमें वह जुड़ जाएगा पी एच सी ओ एच डबल बॉन्ड सी एच टू, वापस से इसको टोटोमराइज करवा दो और ये बन जाएगा पी एच सी ओ सी एच थ्री। थर्ड आपको दिया है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बी एच थ्री टी एच एफ एच टू ओ टू ओ एच माइनस, मैंने क्या बोला ओ एच उधर जिधर भीड़ कम, तो इस ट्रिपल बॉन्ड पे कम है या इस पे कम है, इस पे कम, यहां तो एडिशन होता है इन दोनों रिएक्शन में, एडिशन अकॉर्डिंग टू एम के आर मार्कोनिकोफ रूल से, यहां एडिशन होता है एडिशन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ, रिएक्शन की स्टीरियो रिएक्शन कंट्रोल होती है स्टेरिक हिंड्रेंस से, तो इसमें मैं OH यहां जाएगा तो पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच ओ एच, ये भी टोटोमराइज होगा और यहां बना देगा पी एच सी एच टू सी ओ एच, ये तीन प्रोडक्ट बनेंगे, तीनों प्रोडक्ट ऑप्शन में चेक कर लो, आंसर आपके पास मिल जाएगा। तो अच्छा, इसमें दूसरी तरीके से कुछ आंसर है, हाँ आगे रिएक्शन, अब प्रोडक्ट तो बन गए, अब देखो प्रोडक्ट बी, अब बी किससे बनाया एच टू एच सी सपोर्ट, ये बी बना, कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ये आपके पास B बना है, ये आपका C बना है और ये आपका A बना है। अब प्रोडक्ट बनने के बाद प्रोडक्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन पूछी है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, तो आगे देखें। पहला बोला है प्रोडक्ट B ऑन रिएक्शन विद एक्वस ब्लीचिंग पाउडर गिव स्वीट स्मेलिंग कलरलेस लिक्विड, प्रोडक्ट ब्लीचिंग पाउडर मतलब सी ए ओ सी एल टू एच टू ओ टेस्ट और CaCl3, ये पॉइजनस लिक्विड होता है और स्वीट पॉइजन होता है, तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट, अगर किसी कंपाउंड में ये स्केलेटन है ना तो ये हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो ये रिएक्शन है हेलोफॉर्म टेस्ट, किसी भी कंपाउंड में ये स्केलेटन होगा तो वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इसमें CaCl3 तो पहला स्टेटमेंट सही है, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, प्रोडक्ट सी डू नॉट गिव फेलिंग टेस्ट, तो फेलिंग टेस्ट तो एल्डिहाइड का है, फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड का है, तो एल्डिहाइड का है तो एल्डिहाइड है इसमें, अब फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता है, बट ये एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं है, तो ये सी वाला ये भी देगा फेलिंग टेस्ट देगा, फेलिंग टेस्ट एल्डिहाइड का टेस्ट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता, बट ये एरोमेटिक नहीं है, एरोमेटिक तब होता जब पीएससी डायरेक्टली COH बॉन्डेड होता। सी की बात करें, प्रोडक्ट ए बी एंड सी ऑल गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, तो ऑल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन के लिए अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है, तो एल्डोल फॉर एल्डोल अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, और अल्फा हाइड्रोजन सीओ के जस्ट पास वाले कार्बन को, इसको अल्फा, इस पे जो हाइड्रोजन होगी उसको बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें है, इसमें भी है ड्यूटेरियम हो या हाइड्रोजन हो, इसमें भी है ये वाली अल्फा, तो ये भी सही स्टेटमेंट हो गया। थर्ड है प्रोडक्ट ए गिव 2,4-DNP टेस्ट, कार्बोनिल का टेस्ट होता है, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है वो 2,4-DNP टेस्ट देते हैं, कीटोन हो या एल्डिहाइड हो, तो चारों ही स्टेटमेंट इसके क्या है सही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखें इसको और समझे, हो सकता है एल्डोल वाले क्वेश्चन में रिएक्शन आ गई तो आगे के चैप्टर से बिलोंग कर गई, पर ऑर्गेनिक में क्वेश्चन इसी वे से आता है। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स गिव एंटी मार्कोनिकोफ प्रोडक्ट, मतलब बी आर वहां चला जाए जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, ठीक है, बी आर वहां चला जाए या नेगेटिव पार्ट न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे चला जाए जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो उस कंडीशन में एंटी मार्कोनिकोफ बनेगा। अब देखो इधर ये COH है, इसका लगेगा माइनस आर, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर खींचेगा, तो पॉजिटिव यहां आया तो नेगेटिव पार्ट इस पे चला गया, तो यहां तो दो हाइड्रोजन थी और यहां एक हाइड्रोजन थी, तो इस पे AMKR बना है, ये तो सही है। इसमें बात करें तो पहले इलेक्ट्रॉन इधर से इधर गया, ठीक है, इधर से इधर गया, तो यहां पे तो बी आर यहां आएगा, फिर 1,2-methyl शिफ्ट भी होगा, तो जहां डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ की बात करते हैं वो फॉलो ही नहीं हो रहा है यहां, तो यहां पे इसमें MKR बनेगा प्रोडक्ट, स्टेबल कार्बोकेटायन से जा रहा है तो भी हम बोलेंगे MKR। यहां बात करूं NO2 का माइनस आर लगेगा,
तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आया, इस पे चला जाएगा न्यूक्लियोफाइल पार्ट, तो यहाँ भी वहां गया है जहां बी आर ज्यादा है, तो ये भी क्या है एंटी मार्कोनिक। इसमें बात करें सीसीएल थ्री का माइनस आई लगता है, स्ट्रॉन्गली माइनस आई लगता है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घुमाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस पे आएगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी वहां गया जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये भी क्या फॉलो करेगा एंटी मार्कोनिक। इसमें सीएन का माइनस आर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर विड्रॉ करेगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव आया, तो यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल उस पे चला गया जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये भी क्या फॉलो कर रहा है एंटी मार्कोनिक। यहाँ पे इसका भी माइनस आर लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर घुमाएगा, तो यहाँ भी पॉजिटिव आया, तो यहाँ भी बी आर वहां चला गया जहां पे, या बी आर मान लो या न्यूक्लियोफाइल मान लो, तो ये भी एंटी मार्कोनिक। इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट करने हैं जिससे सिस्टम क्या बन जाए एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक बन जाएगा, एरोमेटिक बन जाएगा, पहले एरोमेटिक बन जाए, H+ आ जाएगा ना यहाँ पे, हाँ। नहीं नेगेटिव अगर नेगेटिव रखने की बात, तो यहाँ पे बी आर इस पे जाएगा, तो ये भी क्या देगा एंटी मार्कोनिकोप। तो कितने एंटी मार्कोनिकोप दे रहे हैं, तो एक को छोड़ के बाकी सभी एंटी मार्कोनिकोप दे रहे हैं, ठीक है, ओके नेक्स्ट। Among the following, how many can liberate CO2 on oxidative ozonolysis followed by heat? Oxidative ozonolysis का मतलब है आपने ozonolysis और hydrolysis in absence of zinc. Zinc की presence में reductive ozonolysis होता है और zinc की absence में oxidative ozonolysis होता है। तो जहां यदि if double bonded carbon ये वाला स्केलेटन है उसमें, तो इसका ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस होगा ना, तो ये जाएगा पहले तो HCOH में और ये टूट जाएगा किसमें CO2 और H2O में, तो ऐसा स्केलेटन आपको चेक करना है, ऐसा स्केलेटन इसमें है क्या नहीं है, देखो इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन इधर ऑक्सीजन, तो एसिड तो चला जाएगा, इसमें भी नहीं है ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इसमें भी नहीं है ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। एक चीज इसमें और एक अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि जैसे मान लो आपने बाई हीट पूछा है, बाई हीट भी पूछा है ना, जैसे मान लो आपने इसको किया तो ये डबल बॉन्ड ओ दे रहा है यहां से, क्योंकि इसमें होता है ना कि 1 डिग्री अगर कार्बन है तो क्या बनाता है COH, 2 डिग्री कार्बन है तो भी COH, लेकिन अगर 3 डिग्री कार्बन है तो किसमें बदल जाता है C डबल बॉन्ड O में, तो देखो 3 डिग्री है तो C डबल बॉन्ड O, 2 डिग्री है तो इसका अगर मैं बनाऊं तो इसका क्या आएगा ये 2 डिग्री का CO, अब उसने लगा दिया यहाँ पे हीट, अच्छा अच्छा हीट से दिया है, हीट से दिया, उसको बड़ा दूसरे वैसे सिस्टमेटिक ढंग से हम कर देते हैं, अच्छा फिर सुनिए दोबारा से कर लेते हैं, इसको हीट से पूछा है, तो देखो बीटा कीटो एसिड, ठीक है ये वाला स्केलेटन हो, तो ये वाला अल्फा और ये बीटा, बीटा कीटो एसिड को हीट करते हो तो CO2 क्या होती है बाहर होती है, ये CO2, तो ये डबल बॉन्ड और ये CH3 और CO2 बाहर हो जाती है। अब अगर किसी भी रिएक्टेंट पे बीटा कीटो एसिड बन गया तो वो हीट करने पर CO2 देगा। अब जैसे फर्स्ट का मैं बनाता हूं, आपको ओजोनोलाइसिस करवाना आता होगा, ये कीटोन बना, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो ये इधर देखो कीटोन, फिर इधर ये COH, एल्डिहाइड आगे फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीडेटिव क्यों है, तो ये बनेगा CO, ये CO OH. अब इसमें तो नहीं आया, बीटा इसमें नहीं आया, बीटा कीटो एसिड नहीं बना, ये अल्फा कीटो एसिड हो गया, ये नहीं देगा। इसमें बात करता हूं तो ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो यहां पे पहले बनेगा ये वाला, ठीक है, फिर ये एल्डिहाइड बना यहां पे, या किसमें चला जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये अल्फा और ये बीटा कीटो एसिड, ये CO2 देगा, सेकंड देगा। इसकी बात करते हैं तो यहां से ये कीटोन बना, यहां से ये बन, या कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, तो यहां से ये बन जाएगा COH और ये डबल बॉन्ड O, ये भी नहीं देगा। अब इसकी बात करें तो यहां से कीटोन बना
और यहां से एल्डिहाइड बन जाएगा और एसिड बन जो एसिड में चला जाएगा, तो ये भी बीटा कीटो एसिड बन गया, तो ये भी देगा। ये टूटा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में जाएगा, ये आगे इसमें तो संभव नहीं, संभव ही नहीं है, नहीं देगा। तो दो आ गए, दो आंसर आ जाए। ठीक है नेक्स्ट इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। द कंपाउंड ऑन मोनोक्लोरिनेशन गिव आइसोमेरिक प्रोडक्ट ओनली स्ट्रक्चर डब्ल्यू। द नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट आर ऑब्टेन बाय मोनोक्लोरिनेशन ऑफ इज इंक्लूडिंग स्टीरियो। दो कंपाउंड दिए हैं, इसको तो स्टीरियो के इंक्लूड करना है और उसको इसको विदाउट स्टीरियो के इंक्लूड करना है, तो दोनों को लगा देते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, देखिए आप बिठाना सर एक बार, ये देखो पहले इसकी बात कर लेते हैं अपन। तो यहां जाएगा तो एक बार तो ये बनेगा, सही है। फिर इस पे जाएगा तो एक बार ये बन जाएगा, फिर इस पे जाएगा, अब ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम हो गई तो किसी भी तरफ लगा दो, फिर यहां जाएगा तो ये बन जाएगा। चार स्ट्रक्चरल बन रहे हैं इसमें, हाँ फोर। दूसरा दिया आपको ये वाला, इसमें स्टीरियो आपको इंक्लूड करनी है, तो स्टीरियो इंक्लूड करोगे तो पहले यहां जाएगा तो ये तो एक ही बना, कार्बन से आया नहीं, फिर दूसरा यहां जाएगा, वन टू पे हो जाएंगे, यहां जाएगा तो वन टू पे ये सीएल और ये सीएल, दो क्या बन गए दोनों आर 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 एस और एस आर 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 एस एस और एस आर, तीन बनेंगे तो इसके तीन बन जाएंगे। फिर वन थ्री पे जाएगा तो वही दो कार्बन सेंटर आर 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 एस एस एस, तीन इसके बन जाएंगे और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो यहां इसके रेस्पेक्ट में तो हमारे पास 3, 3, 6, 7, 8, 7, 8, 4, 11, 4 सिंपल कंसेप्ट। क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, यो क्या होगा पता हो जाएगा। A number of compound give odd number of monochloro product including stereoisomer, what is the value of OPEX? जो odd number में compound देते हो और including stereoisomer, तो एक-एक को लगा लेते हैं, आप direct देखिए देखो इधर, यहाँ लगाओगे तो एक बन जाएगा, यहाँ लगाओगे तो दो बन जाएंगे, तो इससे दो बनेंगे। और कोई भी stereo center generate नहीं हुआ, stereo center generate नहीं हुआ है तो stereo की बात नहीं करेंगे। यहाँ बनाएंगे एक बनेगा, यहां बनाऊंगा तो ये स्टीरियो सेंटर जनरेट हो जाएगा, तो उस कंडीशन में दो बन जाएंगे आर और एस। अब इधर ये सेम हो गया, तीन बनेंगे, ये ओड आ गया है। फिर इस पे बात करें, यहां बनेगा वन, यहां जाएगा तो स्टीरियो सेंटर जनरेट हो जाएगा इस जगह, तो ये टू, फिर यहां जाएगा तो ये वन, अब इस पे जाएगा ना तो ये स्टीरियो, तो ये इधर वाला स्टीरियो सेंटर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर तो नहीं आया, सिक्स आ गया, ठीक है। फिर इसमें बात करते हैं, वन यहां जाएगा, वन यहां जाएगा तो कायरल सेंटर जनरेट होगा, सीएल जाते हैं तो इसके दो बन जाएंगे, यहां जाएगा तो भी कायरल सेंटर जनरेट हो जाएगा, दो चले जाएंगे, यहां जाएगा तो कायरल सेंटर जनरेट नहीं होगा, फिर यहां जाएगा तो ये वाला कायरल सेंटर बन जाएगा, इस पे सीएल जाएगा तो फिर दो आ जाएंगे, तो इसके कितने आएंगे, एट आए, ये भी एट आ गया, तो ये भी ऑर्डर नहीं हुआ ना। इसमें केवल एक ही बनेगा, ऑल हाइड्रोजन आइडेंटिकल, तो ओनली ओड नंबर हो गया, तो ओड नंबर ये वाला हो गया, ओड नंबर ये वाला हो गया, बाकी यहां 2, 2, 6, 8 नहीं हुए। इसमें बात करेंगे, इसमें यहां जाएगा एक हो गया, तो एक हो जाएगा, यहां जाएगा तो दो हो जाएंगे, सॉरी एक हो जाएगा, फिर यहां जाएगा तो सिस और ट्रांस, और दोनों में प्लेन नहीं लगेगी, सिस में भी नहीं लगेगी, ट्रांस में नहीं लगेगी। जैसे इसका मैं बोलूं कि एक बार तो ये बनेगा कायरल सेंटर, हाँ ये बना सी एच थ्री और ये सी एल, तो आर आर एस एस आर एस एस आर, चार बनेंगे, दो कायरल सेंटर थे, हाँ तो चार बन जाएंगे। फिर इस पोर्शन पे जाएगा, अब ज्योमेट्री तो अब इस पे जाएगा तो उसकी बात कर लेते अपन, तो इस पे जाएगा तो ये CH3 और ये CL दोनों सेम साइड हो सकते हैं, बिल्कुल, और एक पॉसिबिलिटी है ये CH3 और ये CL ट्रांस, इसमें प्लेन प्लेन तो लग जाएगी बट दो बन जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें भी कितने आए, एट, एट आ गए, तो ये नहीं आया, ये तो नहीं आया। ऐसे इस पे बात करेंगे,
तो इसी में आप सभी को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कंसेप्ट हमने बता दिया, इस वे से चेक करोगे तो आप खुद से प्रैक्टिस करें कि आपका आंसर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा आंसर तो आप कमेंट में हमें बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है, हम आपको एक्सप्लेन अगले लेक्चर में इस क्वेश्चन को दोबारा कर देंगे, बट हम चाहते हैं कि आपको हमने कंसेप्ट बताया, आप खुद इससे प्रैक्टिस कर, इतने सारे बता दिए तो आप। नेक्स्ट, नंबर ऑफ आइसोमर फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H10 और 2H2 ये, तो C6H10 किसका फॉर्मूला है? एल्काइन का। इस पे एल्काइन भी बन सकता है और एल्का डाइइन भी बन सकता है, और यही हमारे पास बनना चाहिए। तो देखो, इस पे ट्रिपल बॉन्ड यहां लगाऊं, एक ही जगह ही है बस, बन जाएगा। अब चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, तो एक्सक्लूडिंग स्टीरियो, स्टीरियो नहीं लेना, अगर स्टीरियो कर करता तो इसका दो होते आर और एस, क्योंकि कार्बन सेंटर है इसमें, बट एक्सक्लूडिंग स्टीरियो है तो ओनली वन एल्काइन बनेगा। एल्काडाइन की बात करें तो एल्काडाइन में दो डबल बॉन्ड मुझे लगाने हैं, तो एक यहां लगा, तो लगातार दो में लगा नहीं सकता क्योंकि इसकी पांच वैलेंसी हो जाएगी, यहां लगा सकता हूं, उसके अलावा मैं यहां और यहां लगा सकता हूं, ठीक है। और कोई चांस, और कोई चांस की अगर बात करें तो ये वाला बनता है नहीं बनता? हाँ बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से एल्काडाइन कितने बने हैं? तीन, और ये कितना बना है? वन। इन पे H2 का एडिशन कराओगे तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। आइसोमेरिज्म आपसे पूछी नहीं है, स्टीरियो नहीं पूछी है, ठीक है। तो ये थे 20 क्वेश्चन, आइसोमेरिज्म को इंक्लूड हमने वापस टच में रखा जिससे आपको समझ में आए। मिलते हैं कुछ एक और बेहतरीन प्रॉब्लम लेके हाइड्रोकार्बन के सेकंड पार्ट में, तब तक आप इस वीडियो को देखें, एंजॉय करें, कमेंट में हमें बताएं आपको कैसा लगा। एक क्वेश्चन हमने आपको होमवर्क भी दिया है कि आप करें, और कहां प्रॉब्लम आई है वो हमें बताएं, कमेंट, ठीक है। थैंक यू।